बड़ा ही हैवी सीन है, कढ़ाई का, चिकन कढ़ाई का, कहीं पे माँस की दाल फ्राई हो रही है, कहीं पे चने की दाल फ्राई हो रही है, और बिलीव मी बहुत हैवी सेटअप है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल अजान पठान। तो भाई आज की वीडियो में मैं ट्राई करने आया हूँ हैदराबाद का वन ऑफ द मोस्ट फेमस नज़ीर रेस्टोरेंट का अंडा कबाब। नज़ीर रेस्टोरेंट हैदराबाद का वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट है, और ये इतना मशहूर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और यहाँ पे जो आइटम्स इनके पास मिलते हैं ना यार, मतलब एंड लेवल के आइटम्स हैं। मतलब देसी फूड का हैवी सीन जो है ऑन है यहाँ पे, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का। आप जैसे इस रेस्टोरेंट में एंटर होंगे, खुशबू इतनी ज़बरदस्त किस्म की आएंगी कि आपके वक्त बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। बड़ा ही ज़बरदस्त सीन यहाँ पे बना हुआ है। इनके बहुत सारे आइटम्स मशहूर है रात के खाने में, दोपहर के खाने में, लेकिन हम जो यहाँ पे बेसिकली ट्राई करने आए हैं वो इनके एक आइटम है अंडा कबाब, बड़ा मशहूर है। अब क्या सीन है उसके, एक फ्राई पैन में पहले अंडा डालते हैं, अंडे के बाद कबाब डालते हैं, फिर उसको कटाकट करके फ्राई करते हैं। बाय लुक्स इटसेल्फ बड़ा हैवी लग रहा है। अब खाके चेक करते हैं, ऑयल वगैरह आई थिंक घी वगैरह में उसको बना रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे इनके छोले भी मशहूर हैं, अंडा छोला भी मशहूर है, काफ़ी सारे आइटम्स मशहूर हैं, और चपाती इनकी फरमाइशी चपाती वो भी बहुत एंड है। तो अभी चलते हैं अंदर, चेक करते हैं तमाम जो आइटम्स आपके साथ शेयर करते हैं, हैवी सीन यहाँ पे जो ऑन हुआ है दोपहर के खाने का वो सब आपको दिखाते हैं। तो वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा, स्ट्रेट ट्यून। तो फिर चलें, चलते हैं। इस दुकान पे हम 20 साल बाद फैसलाबाद में शिफ्ट हो गया हूँ, 20 साल बाद वापस आया हूँ, तो वही टेस्ट वही मैार आज तक अभी भी बरकरार है। हाँ तो गाइस, नज़ीर रेस्टोरेंट का अंडा कबाब रेडी होके मेरे सामने आ चुका है, और बाय लुक्स काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है ये। इसके साथ सैलेड भी आई है, रायता भी आया, जो कि आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्री है यहाँ पे। मैंने अभी तक प्राइस वगैरह नहीं पूछा, जब बिल का टाइम आएगा प्राइस जब पूछेंगे। ये 1960 से जो है ये होटल जो है बरकरार है नज़ीर भाई के नाम से, जो इसके ओनर हुआ करते थे नज़ीर भाई, उनके माशाल्लाह जो है ये तीन बेटे ये काम चला रहे हैं। पहले रासलिमा में थे, अब पुलिस लाइन हेडक्वार्टर के पास चले गए, और एक जो है ब्रांची है। लेकिन बाय लुक अंडा कबाब बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है, इसके ऊपर ऑयली वाली काफ़ी ग्रीसी लुक आ रहा है, और साथ में जो है चपाती आ गई स्पेशल फरमाइशी। अब ट्राई करते हैं, चेक करते हैं। चपाती का साइज थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा है, अब चेक करते हैं। सॉफ्ट है, काफ़ी सॉफ्ट है। और उसके बाद जो है माशाल्लाह इनका जो खाना है वो बड़ा उमदा और बड़ा अच्छा बनाते हैं, समझ रहे। फ्राई पैन में बनता है, चिकन मुर्गी फ्राई होती है, मटन कीमा चिकन मगर, समझ रहे। ये बहुत अच्छा मानता है, इनका साफ़ सुथरा खाना आदमी रहा, बहुत बेहतरीन खाना बनता है, समझ रहे। 1960 से बना रहे हैं, समझ रहे। माशाल्लाह जो है तीसरी रसल जो है काम को चला रही है, और आज भी माशाल्लाह उनके खाने का बड़ा मियार है, समझ रहे। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा प्यारा खाना बनाते हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये हमारे जो है तीन दो रेस्टोरेंट है। पहली शॉप जो है हमारी वहाँ पर है, फिर तो ये अस्पताल के पास, दूसरी शॉप ये है, उसके बाद जो है वो शाम को खुलती है 5 बजे से रात के 2 बजे तक। उसके पास मटन कीमा, बकरे का मगज, गुर्दे, कीमा, चिकन फ्राई, और बारबेक्यू, और जाना में उसका बकरे का गोश्त, ये सारी चीज़ें की वैरायटी वहाँ पर होती है। यहाँ दिन का खाना होता है, रात को भी होता है, लेकिन दिन की रेसिपी अलग है। अंडा छोला होता है, मुर्ग छोला है, अंडा कबाब, सादा कबाब, समझ रहे, दाल फ्राई, मूंग की दाल, चने की दाल, मांस की दाल, अंडा छोला, मुर्ग अंडा, समझ रहे, अंडा कबाब, ये रेसिपी जो है 5 बजे तक मिलती है यहाँ। 5 बजे के बाद जो है फिर वो ये फ्राई का सिस्टम शुरू होगा। हमें अंडा है वो, मेरे को भी माशाल्लाह यहाँ पर 50 साल हो गए इनके पास, समझ रहे। हाँ
यहाँ तो भाई नज़ीर रेस्टोरेंट का जो मेरा एक्सपीरियंस है बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का रहा है। और यहाँ पे जो अंडा कबाब मैंने ट्राई किया बेसिकली यार बहुत टेस्टी चीज़ है। उसके अंदर दाल का कबाब है, अंडा है और सो बिल्कुल घोटाला टाइप बना के कटाकट टाइप बना के ऐसा एंड लेवल का बना दिया उन्होंने। मतलब इतना ऑयली इतना ग्रीजी जब आप फरमाशी चपाती के साथ उसको खा रहे हैं ना यार, तो एक बड़ा ही एंड लेवल सीन लग रहा है। बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े का है। और अगर उसके प्राइस में आपको बताऊँ ना तो प्राइस सुन के आप बोलेंगे यार अब्दुल्ला भाई इतना ज़बरदस्त स्ट्रीट फूड इतने नॉर्मल से प्राइस के अंदर। 140 रुपीज़ की प्लेट है, 25 रुपये की चपाती है। टोटल मेरा जो बिल यहाँ पे बना है 300 रुपीज़ का बना है। आई थिंक 5 मैंने चपातियाँ ली थी और मैंने एक जो है अंडा कबाब यहाँ पे लिया था इनका, क्योंकि बाय लुक्स मुझे थोड़ा वही अच्छा लग रहा था। उसके अलावा यहाँ पे रश इतना था कि मैं क्या बताऊँ आपको। बैठने का सिस्टम यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप लड़के लड़के हो तो आप खा सकते हो, लेकिन अगर विद फैमिली हो तो यहाँ पे कोई इंतज़ाम ऐसा खास है नहीं फैमिली के साथ बैठने का। लड़के लड़के हो तो आराम से बैठ के आप यहाँ पे खा सकते हो, अंदर थोड़ी बहुत जगह है। लेकिन जब रश फुल हो जाता है उसके बाद अंदर काफ़ी सफोकेशन हो जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा सर्वाइव करना पड़ेगा। लेकिन यार अगर अच्छा टेस्ट खाना है फिर मैं बोलता हूँ अगर मेरे जैसा बंदा कहीं भी जा सकता है तो फिर आप लोग भी कहीं भी जा सकते हो। तो मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर टेस्ट की बात करूँ बहुत ज़बरदस्त था। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करके भाई को दुआ में याद रखें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो मुझे दुआओं में याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।